नमस्कार सभी का एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान पुलिस के पेपर का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, राजस्थान का पुलिस पेपर पहली पारी का समाप्त हो गया है। आप देख पा रहे होंगे पूरा पेपर हम आपको दिखाएंगे और सॉल्व भी करवाएंगे साथ में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पहला प्रश्न पूछा गया था। दूसरा, पृथ्वी तक सूर्य के किरणें पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था, राजस्थान में निम्न में से कौन किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए थे, आप देख पा रहे होंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने में निम्न से कौन सा राजाराम मोहन राय को पुरस्कार दिया गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था। अनीश उत्तर की ओर 100 मीटर चला, देख पा रहे होंगे आप पूरा पेपर है आपके साथ, थोड़ी ही देर में हम आपको इसका उत्तर भी सॉल्व करवाएंगे, लेकिन पहले हम आपको पूरा पेपर दिखा रहे हैं। आपको बेसब्री से इसका इंतज़ार था, तो जल्दी से आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे और इसके उत्तर भी हम आपको जल्द सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले हमारा लक्ष्य था कि आप तक सबसे पहले पेपर पहुँचाया जाए, तो आप पूरा पेपर आपको हम पहुँचाएंगे। पूरा पेपर आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे पूरे प्रश्न आप देख पाएंगे, इनके उत्तर आपको देने हैं। थोड़ी ही देर में हम आपको उसकी आंसर की भी जारी करेंगे, तो आपको इंतज़ार करना है थोड़ी देर के लिए, लेकिन तब तक आप पूरा पेपर ज़रूर देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, उनको भी इसका बेसब्री से इंतज़ार है इस पूरे पेपर का। बहुत ही शानदार पेपर है, एक संतुलित पेपर पूछा गया है। आप देख पा रहे होंगे दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है, ये पूछा गया है। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर में कौन अध्यक्ष कौन है, हम आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। उस संख्या का चयन करें जो अनुमिलिक संरचना में प्रस्तावित करती है, आप देख पा रहे होंगे पूरा पेपर है ये जो आज पहली पारी में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 की इस परीक्षा में पहली पारी में पूछे गए ये प्रश्न हैं। आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पूरे पेपर को आसानी से देख सके और इनके प्रश्नों को सॉल्व कर सके और अपना एक अनुमान लगा सके कि आने वाली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान पुलिस से संबंधित। तो बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, पूरा पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए। हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देख पा रहे होंगे आप पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। राजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी पर बैठी थी, 1236 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1236 से 1240 चार साल तक इन्होंने शासन किया था। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1526 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान में फैला हुआ है, तो 10.4% इसका सही उत्तर हो जाएगा। जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति के पुरातन तत्व के कैबिनेट मंत्री कौन थे, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। आप पूरा पेपर देख पा रहे होंगे, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, बहुत ही शानदार। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद निम्न में से कौन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। रिला मिला पेपर है, संतुलित पेपर बनाया गया है, आप पूरा पेपर देख पा रहे होंगे। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 पहली पारी में पूछा गया प्रश्न है, आप अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि उनको बहुत समय से इंतजार था राजस्थान पुलिस के पूरे पेपर का। हम आपको पूरा पेपर करवा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी ही देर में हम आपको आंसर की भी इसकी सॉल्व करवाएंगे, पूरे पेपर का उत्तर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। राजस्थान पुलिस के जो भी पेपर होंगे पूरे पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद हम आपको इसकी कट ऑफ भी जारी करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, बहुत ही शानदार। आप
देख पा रहे होंगे कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे, क्या थे कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले, आप पूरा पेपर देख पा रहे होंगे। विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम करता है, विश्व की प्राचीनतम वर्लित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है, तो अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सी है, सुंदरबन नदी मुख भूमि डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन की आशा निम्न में से किस नदी को जाना जाता है, तो बनास को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को बहुत ही देर से इंतज़ार था राजस्थान पुलिस के पूरे पेपर का, हम आपको पूरा पेपर एकदम सही तरीके से दिखा रहे हैं, किसी भी प्रकार का इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी, बहुत ही शानदार उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान किस वर्ष राज्य की नई सड़क नीति घोषणा की थी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राज्य में पुष्प फ्लोरेट का वैज्ञानिक नाम, तो टेकोमेला उंडुलेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस में 150 प्रश्न पूछे गए थे, मृदा अपरदन निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, तो वृक्षारोपण इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है, विटामिन किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा पेपर आपने देख लिया होगा, ये करंट के जो प्रश्न पूछे गए हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो पीसी कल्चरल इसको कहते हैं। ये थे राजस्थान पुलिस से जुड़े हुए 150 पूरे प्रश्न। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। धन्यवाद बहुत।